आतिशी मॉडल ना इस वक्त हमारे साथ है। आतिशी, आपसे सवाल ये है कि आज क्या फिर से शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग जिस तरीके से आप लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी की का डर है जिसकी वजह से इस तरीके का एक्शन हो रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को झूठे आरोप पर अरेस्ट करने में डर नहीं लगता तो देश को देखने क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं देखने दे रहे हैं क्योंकि वो झूठे आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन 1 रुपए तक के भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं कर पाए हैं। एक साल हो गया है, 400 अफसर लगे हुए हैं ईडी और सीबीआई के, लेकिन अभी तक भी ये आरोप लगा रही है कि ये आम आदमी पार्टी का डर है और ये साफ दिखाता है ये डर कि कहीं गड़बड़ियां हुई है। प्रमाण दे, एक साल से 200 ईडी के अफसर, 200 सीबीआई के अफसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन एक भी पैसे का आरोप साबित नहीं कर पाए। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है आतिशी, क्या कहना चाहेंगे तौर पर कि सवाल ये है कि इतने सारे आरोप लगे हैं लेकिन सबूत कहाँ है, ये मांग करती हुई आतिशी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सीधी तस्वीर कि अब जो है गहमागहमी बढ़ गई है और साफ तौर पर जो है इसके बाद मनीष सिसोदिया राजघाट की तरफ जाएंगे और इनका ये कहना है कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि सत्य के एक तरीके से पहचान है बापू और इसी के लिए वो यहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि ये ईमानदार पार्टी है और जिस तरीके से इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है और इसीलिए पहले वहां जाकर उसके बाद मुख्यालय पहुंचेंगे। तो गहमागहमी बढ़ चुकी है, कुल मिलाकर साफ तौर पर राजनीति की एक और जो है उदाहरण यहां पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।